तो दोस्तों आ गए हैं हम सन सिटी सिनेमा बुलंदशहर। ये देखिए जा रहा है जीतू अंदर, टिकट लेंगे अब हम मूवी के, तब एंट्री करेंगे। ये है सन सिटी सिनेमा बुलंदशहर। ये देख, यहाँ से रास्ता है। हाय दोस्तों, तो आ गए हैं हम मूवी देखने और अब हम मॉल में एंट्री करेंगे बुलंदशहर में। देखते हैं अंदर क्या होता है, टिकट खरीदेंगे और टिकट के बाद फिर हम मूवी देखने जाएंगे। लेट्स गो, चलो। ये है अंदर का माहौल मॉल का। तो हमने मॉल में एंट्री कर दी है और देखिए काफी अच्छे से शॉप्स हैं। ये है बुलंदशहर का मॉल, बच्चों का, ये बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। जी तो ये बच्चों को एंटरटेन करने के लिए है ना, काफी अच्छा है। ये देखो बुलंदशहर का सन सिटी सिनेमा भाई। सन सिटी सिनेमा में देखिए भाई लोगों, पहुंच गए हैं सन सिटी सिनेमा। वहां पर जाएंगे और वहां पर मूवी देखेंगे। अभी हमें टिकट घर से जाना है और टिकट खरीदने हैं, उसके बाद हम मॉल में जाएंगे और फिर मूवी देखेंगे, रिव्यू बताएंगे उसके बाद मूवी का है। चलो, टिकट खरीद रहा है जी, तो टिकट 250 रुपये, प्लेटिनम 250 रुपये, गोल्ड 180 रुपये। यह टिकट का प्राइस। बॉक्स ऑफिस, ऊपर की सीट देना भैया। तीन है क्या? चार है। तो भाई लोगों अब टिकट खरीदा जा रहा है, चेंज नहीं है भाई, 100 का ही पड़ा है। दृश्यम 2 भैया, ऊपर की सीट देखिए जो भी हो सके। और अभी टिकट परचेस करने वाले हैं, फिर देखते हैं मूवी। बंद पड़ा भाई, कैफे ग्रीन बंद हो गया है। बुलंदशहर एक छोटी सिटी है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे ना मॉल वॉल चल नहीं पाते, ओपन नहीं हो पा रहे। कोशिश यही रहेगी कि हमारा भी बुलंदशहर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो और यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ के जो मॉल्स हैं, वो अच्छे तरीके से चले। तो अभी क्या है कि अभी यहाँ पर काफ़ी शॉप्स बंद हैं और कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अभी बहुत ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन हम जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे आपको लाइव दिखाते रहेंगे क्या इम्प्रूवमेंट आया, प्रगति पे है। अगले वीडियो में, अगले वीडियोस में हम आपको सब चीज़ बताते रहेंगे। अगले वीडियो बनाएंगे जी तू बुलंदशहर के ऊपर ना। मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ बुलंदशहर के ऊपर वीडियो बनाई जाए। क्या क्या फेमस है, क्या कौन सी रोड अच्छी है घूमने के लिए, पार्क कौन से अच्छे हैं, तो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। बुलंदशहर की सारी मशहूर चीज़ें, हर चीज़ आपको यहाँ पर हम वीडियो के जरिए दिखाएंगे। और ये देखो जीतू, यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से व्यूज देखो आप शहर का। ये यहाँ पे शीशा लगा है, बढ़िया शीशे से बाहर देखिए व्यूज। अच्छा व्यूज है। आई लव बुलंदशहर, छोटा शहर, अच्छा शहर है। यहाँ पे बस जॉब की थोड़ी कम है, दिक्कतें आती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, और जो जॉब के इश्यूज आते हैं, जॉब कम मिलती है यहाँ पे, तो लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है, दिल्ली वगैरह। दिल्ली यहाँ पे पास में ही है, 70 किलोमीटर है। हाँ जी, दिल्ली यहाँ पे पास में ही है ना। हाँ, दिल्ली मुश्किल से आपको 60 से 70 किलोमीटर दूर पर है। तो मोस्टली जॉब के पर्पस से हमें बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि अभी यहाँ पर इतनी जॉब फैसिलिटीज़ नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के जो युवा हैं उनको उनके लिए छोड़ना पड़ता है, तो काफ़ी जॉब करते हैं। हमारे साथ के भी काफ़ी बंदे हैं जो बाहर, जो लोग अभी बाहर रहने बुलंदशहर छोड़ के, उनके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी ना। हाँ, उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, उनको याद दिलाएंगे बुलंदशहर की, मॉल की सब चीज़ आपको दिखाएंगे, 1-to-1 सब चीज़ आपको दिखाएंगे। ये देखो मिरर से बुलंदशहर का, ये देखो अभी कंस्ट्रक्शन अभी ठीक से चल रही, वो है सही नहीं हुआ है मॉल। इसमें सन सिटी सिनेमा ही मेन है जो चल रहा है अभी फिलहाल। तो मिलते हैं दोस्तों, अभी बज गए हैं शायद 1 बजने वाला है, 1:10 पे मूवी चालू होगी, मूवी देखेंगे, उसके बाद आपको रिव्यू बताएंगे। तब तक के लिए बने।
सेकंड दिखाओ, 40 सेकंड में हम जाएंगे और अभी कुछ टाइम है, 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद हम चलेंगे मूवी देखने। ये वन है ना, ये वन ऑडी है। ये हैप्पी बर्थडे किसका लगा रखा है इन्होंने? किसने करेगा वो तो, ये थर्ड ऑडी है। अच्छा, और हमारा सेकंड में ठीक। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा? बहुत अच्छी है, देखी है दृश्य मूवी, बहुत ही अच्छी है और आपको देखकर ऐसा लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा, सस्पेंस इतना अच्छा है। अक्षय खन्ना तो ऐसा मुर्दे की तरह। अक्षय खन्ना की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं जबरदस्त फिल्म है भाई, बहुत जबरदस्त। अजय देवगन की अगर हम बात करें तो अजय देवगन से अच्छे कोई एक्टर अभी तक नहीं है, इतनी अच्छी एक्टिंग करी है, सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया और मतलब उनको सोचने मजबूर कर दिया कि ये ऐसा कैसे हुआ। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, आप सभी देखिएगा, बहुत अच्छी मुझे दृश्यम 2 मूवी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया भाई, ज़रूर देखने जाओ। हैं दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।